यह है फ्रेंच एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डे गोल और ये यूएसए की नेवी के अलावा पूरी दुनिया का एक लौता न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। यही नहीं, यूएसए के कैरियर्स के अलावा ये एक अकेला ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि कैटोबार सिस्टम से एयरक्राफ्ट्स को लॉन्च कर सकता है। इसका डिस्प्लेसमेंट वेट है 42,500 टन, जो कि आईएनएस विक्रमादित्य से थोड़ा कम है। जनरली इस पर रफाल का नेवी वर्जन के एयरक्राफ्ट डिप्लॉय रहते हैं और ऐसे 40 से ज्यादा एयरक्राफ्ट को ये अकोमोडेट कर सकता है। इसे बनाने में $3 बिलियन का खर्चा आया था और फ्रेंच नेवी में सर्विस करते हुए इसे 20 साल हो गए हैं। इसे 1986 में ऑर्डर किया गया था, पर इसके कंस्ट्रक्शन में 15 साल का टाइम लग गया और फिर फाइनली 2001 में इसे फ्रेंच नेवी का पार्ट बनाया गया।